फर्जी नियुक्ति के मामले में अब बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे के खिलाफ पूरी तरह से मैदान संभाल लिया है। कांग्रेस ने अब माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में सीएम शिवराज के इशारे पर फर्जी नियुक्तियां होने का आरोप लगाया है। इस मामले में कांग्रेस ने दस्तावेज भी पेश किए हैं और सीएम पर आरोपों की झड़ी लगाई है। व्यापम घोटाले के आरोपों में घिरे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर कांग्रेस ने एक बार फिर फर्जी नियुक्तियां कराने का आरोप लगाया है। भोपाल में कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा ने इस मामले में दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। कांग्रेस ने फिर लगाए सीएम शिवराज पर आरोप। कांग्रेस का आरोप, सीएम ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में कराई फर्जी नियुक्तियां। सीएम के खिलाफ कांग्रेस ने पेश किए दस्तावेज। कांग्रेस ने फिर बढ़ाई मुख्यमंत्री की मुश्किलें। सीएम पर कांग्रेस प्रवक्ता के संगीन आरोप। पहले भाजपा का वार तो अब कांग्रेस का पलटवार। जी हां, बीजेपी द्वारा कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर नोटशीट और पर्चियों के जरिए फर्जी नियुक्तियां करने का आरोप लगाने के बाद अब कांग्रेस ने भाजपा पर आरोप लगाए हैं। मंगलवार को कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने भाजपा को घेरने की कोशिश की। आप सरकार से पूछिएगा कि भ्रष्ट कांग्रेस सरकार थी या भ्रष्ट शिवराज सिंह की सरकार है। मैं जो भी आपको दस्तावेज सौंप रहा हूं उसमें वर्ष 2004 से 2015 तक राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, जनसंपर्क विभाग के अधीन माध्यम जिसके अध्यक्ष खुद माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, क्लिप्स जिनके अध्यक्ष को माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने हस्ताक्षर से बनाया था और वो व्यापम घोटाले के एक बड़े सरगना के रूप में भी जेल में बंद है, बनिया सेड मेप आईटी, इनमें सैकड़ों की संख्या में जिनमें कई नियुक्ति मुख्यमंत्रियों की नोटशीट के आधार पर की गई है, वो की गई है जिनकी पहली सूची में करीब 30-35 लोगों की, आज मैं आपको दे रहा हूं। यही नहीं, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ने इसके अलावा भी शिवराज सिंह चौहान पर तीखा हमला बोलते हुए आरोपों की झड़ी लगा दी। 2004 से 2015 तक कराई अवैध नियुक्तियां, सीएम और बीजेपी नेताओं की मिली भगत, माखनलाल यूनिवर्सिटी में कराई अवैध नियुक्तियां। शिवराज सिंह चौहान से कांग्रेस ने मांगा जवाब। जो नियुक्तियां अवैध रूप से की है करीब 35 नाम है, मगर कुछ नाम मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक नियुक्ति की गई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय में नवगठित प्रकाशन विभाग में प्रकाशन अधिकारी की, वो नियुक्ति है सौरभ मालवी की, जिसमें मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर है और इस नियुक्ति को मुख्यमंत्री जी ने 8 दिसंबर को 2010 को नोटशीट के माध्यम से जारी किया है। और सरकार कितनी अच्छी चल रही है कि 8 दिसंबर 2010 को ही सचिव जनसंपर्क के आदेश हो जाते हैं और 8 दिसंबर को ही एक ही दिन में मुख्यमंत्री, सचिव जनसंपर्क और माखनलाल यूनिवर्सिटी के कुलपति कुठियाला के भी आदेश जारी होते हैं, नियुक्ति के आदेश। दूसरी नियुक्ति है अशोक टंडन की, यह भी मुख्यमंत्री जी के आदेश पर जारी हुई है और ये अशोक टंडन, जिनका मध्य प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है, ये दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के एक राष्ट्रीय नेता के दलाल हैं और दलाल के रूप में वो सारी स्थितियां उनको मुहैया कराते हैं जो मैं आपसे कह नहीं सकता हूं, तो दलाली भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कर रहे हैं। इस तरह कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह पर भाजपा द्वारा आरोप लगाने के बाद कांग्रेस ने इसे पार्टी की नाक का सवाल बना लिया है। वहीं इस तरह के आरोपों के बाद भाजपा नेता भी मुख्यमंत्री के बचाव में दलीलें दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज।